एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि LRC डिपार्टमेंट जो है भर्ती निकाली जा चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो भी भूमि सर्वेक्षण हो रहे हैं उसमें बहुत सारे जो है पद अभी खाली पड़े हुए थे। जैसे कि मैंने आपको कई बार जानकारी दिया था, जिसमें आपका क्लर्क का पद था, कानूनगो का पद था, बंदोबस्त पदाधिकारी या फिर आपका जो अमीन होते हैं उन पदों के लिए जो है भर्ती यहाँ पे बहुत दिनों से कही जा रही थी कि भर्ती आने वाला है, लेकिन फाइनली जो है अभी विभाग के द्वारा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। तो अगर आप भी इसमें फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्म फिल होगा पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसमें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, कितना आपको सैलरी मिलेगा, किस तरह से आपका मतलब सिलेक्शन होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों आपको ये जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मिलेगा या फिर परमानेंट मिलेगा उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो अगर आप इन पदों पर इंटरेस्टेड है, फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, सभी जानकारी जो है क्लियर करके आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछते रहते हैं कि सर आप कोई पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब के बारे में बताएं जिसको हम अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर लें। तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने मोबाइल से 15 मिनट के अंदर जो है अपने ड्रीम कंपनी में 10 जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, अगर आप मान लीजिए आपने 10वीं पास किया हुआ है, 12वीं पास किया हुआ है, फिर आपने ITI डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन अपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पे जॉब अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है 40,000 रुपये की सैलरी वाली जो है जॉब आपको मिल सकती है। देखिए हम कुछ वैकेंसी के बारे में आपको बता देते हैं। देख सकते हैं कि वॉर के स्टार मैन पावर के द्वारा जो है बाइक राइडर की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पटना के लिए है। आपको 25,000 रुपये मंथली यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। आपके पास RC पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ ही साथ आपने 10वीं पास किया हुआ है, फ्रेशर है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करें तो ये जो है ब्लैक बक में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की भर्ती निकाली गई है, जो कि पटना से पूरा के लिए निकाली गई है। आपको 15,000 रुपये से लेकर जो है 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। आपके पास 2-व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस और आपने कम से कम 12वीं पास कर रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करें तो ये जो है बजाज अलियाज के द्वारा रिटेल पार्टनर की वैकेंसी निकाली गई है पटना के लिए। इसमें आपको 1900 रुपये से लेकर जो है 72,000 रुपये दिए जाएगा, और ये जो है पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम, घर से इसको कर सकते हैं। आपके पास स्मार्टफोन वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, फ्रेशर है, थोड़ा इंग्लिश जानते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना जॉब पर जो है बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जैसे कि आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार, आपके सिटी के अनुसार जो है आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर जॉब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है छोटा सा असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसको आपको बेसिक सा होता है, क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका जॉब जो है अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है चाहे तो HR से बात कर सकते हैं और इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हम जानकारी के लिए बता दें कि अपना जॉब पे 2 लाख से ज़्यादा जो है वेरीफाइड जॉब अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे 10,000 से प्लस कंपनियाँ हैं, जैसे कि आपका टाटा हो गया, स्विगी हो गया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सभी वैकेंसीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हम बता दें कि अपना जॉब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जॉब दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई पैसे की डिमांड नहीं करता है और आपको पैसे देने भी नहीं पड़ते हैं। देखिए वैकेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको अपने कंप्यूटर में dlrs.bihar.gov.in सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक बार आपको रिफ्रेश कर लेना चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट्स न्यू लिखा गया है, इसके सामने देख सकते हैं कि सभी का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं। मतलब कि 4 अलग अलग पोस्ट है, तो चारों पोस्ट के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं 20/9/2022 को ही। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जिसके माध्यम से सारा जानकारी यहाँ पे बताया गया है। देखिए पोस्ट अलग अलग यहाँ पे है, आपको हम बताते हैं कि पोस्ट इसके लिए अलग अलग रखे गए हैं, लेकिन बाकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसका कार्य का अवधि है वगैरह वगैरह, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है एक ही डेट पे लिए जाएंगे, ठीक है, मतलब एक ही तरह से लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देख सकते हैं कि ये जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भर्ती निकाली गई है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पद के रिक्त पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन करने के संबंध में सूचना जारी किया गया है। सबसे पहले देखिए हम विशेष सर्वेक्षण लिपिक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी विशेष सर्वेक्षण के क्लर्क कहिए या फिर लिपिक कहिए, उसके लिए 226 पदों के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका जो है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कौन सा कैटेगरी में कितना यहाँ पे पोस्ट है, और टोटल जो है 226 यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं।
नीचे आएंगे तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात किए गए हैं कि अगर आप लिपि के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अगर आप स्नातक पास हैं तो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2500 रुपये जो है आपको मानदेय दिया जाएगा। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/1/2022 को न्यूनतम जो आपका उम्र होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु की हम बात करें तो 37 वर्ष आपका होना चाहिए। अगर आप महिला पिछड़ा वर्ग या फिर तदनुसार पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको छूट यहाँ पर मिलेगा। इसको हिसाब से आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि ये जो भर्ती है वो परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो देखिए, साफ साफ लिखा गया है कि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकेगा। मतलब आपका जो भर्ती हो रहा है ना, 2 सालों के लिए हो रहा है, ठीक है। 2 सालों के लिए भर्ती लिया जाएगा और आवश्यकता पड़ता है तो उस समय बढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि चयन प्रक्रिया क्या होगा। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो देखिए, मैट्रिक, इंटर, स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट में जो भी आपका नंबर होगा ना, उसी के ऊपर जो है आपका यहाँ पे मेघा सूची बनेगा। मैट्रिक के लिए देख सकते हैं कि 10 अंक मिलेंगे, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक मिलेंगे, स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है अधिकतम यहाँ पे 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा। उसके हिसाब से आपका मेघा सूची का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे बताया भी गया है कि किस तरह से आपका कैलकुलेशन होगा, तो आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं। इसका जो फॉर्म फिल होगा पूरी तरह से ऑनलाइन फिल होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 27/9/2022 से लेकर 21/10/2022 के बीच में जो है फॉर्म को फिल किए जाएंगे। आपको हम बता दें कि जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है उन सभी का नियोजन अवधि, चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन जो फॉर्म है एक ही तरह से रखे गए हैं। जैसे कि आप ऑलमोस्ट देखेंगे कि ये देखिए कि यहाँ पे बंदोबस्त पदाधिकारी का भर्ती है, 96 पोस्ट रखे गए हैं। नीचे आएंगे तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्ट बताए गए हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया हुआ है और साथ ही साथ आपके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव है तो इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको 59,000 रुपये जो है सैलरी दिया जाएगा। 2 वर्ष का यहाँ पे कार्य अनुभव जो है ज़रूरी है। नीचे आएंगे तो 21 से लेकर जो है 37 वर्ष के आपका बीच में उम्र होना चाहिए 1/1/2022 को। और कुछ रिवर्सन कैटेगरी वालों को जो यहाँ पे छूट भी मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। नियोजन अवधि देखेंगे कि वही चीज़ है, 2 सालों के लिए भर्ती लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया आपका वही रहेगा, मैट्रिक और इंटर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर आपका मेघा सूची बनेगा और ऑनलाइन आवेदन भी 27/9 से 21/10/2022 के बीच में फिल किए जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सर्वेक्षण जो कानूगो हैं उनका भी पद यहाँ पे निकाला गया है। 240 पद रखे गए हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। इनकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप कानूगो के पद पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और 2 वर्ष का कार्य अनुभव है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 3600 रुपये आपको मानदेय मिलेगा। नीचे आएंगे तो 18 से लेकर जो है 37 वर्ष का उम्र आपका मतलब बीच में होना चाहिए और आपका उम्र काउंट होगा 1/1/2022 से। कुछ रिवर्सन कैटेगरी वालों को यहाँ पे छूट भी मिलेगा। नियोजन का अवधि वही रहेगा 2 सालों के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट रखे गए हैं, 1944 पोस्ट पे जो है भर्ती ली जाएगी। इसके लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी भर्ती का सारा चीज़ जो है यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन सा कैटेगरी के लिए कितना भर्ती निकाली गई है। नीचे आएंगे तो अगर मान लीजिए आप अमीन के पद पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 3100 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। आपका जो है खुद का लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी आपके पास होना चाहिए और इस हेतु उक्त नियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रतिमाह 4000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले खर्चा के लिए जो है 400 रुपये प्रतिमाह आपको मिलेंगे। तो इस बात को समझ लीजिएगा। इसका भी उम्र सीमा रखा गया है 18 से लेकर 37 वर्ष। नियोजन का अवधि 2 साल के लिए रहेगा और इसका चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो सेम वही चीज़ है, जो भी आपके क्वालिफिकेशन में परसेंटेज है उसके हिसाब से आपका मेघा सूची बनेगा और इसका भी ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा 27/9/2022 से लेकर 21/10/2022 के बीच में। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा वैकेंसी के बारे में एक एक करके बता दिया है। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे आएंगे easytonet.com, तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल आपको उपलब्ध करवा दिया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बिहार LRC रिक्रूटमेंट 2022। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सारा जानकारी इस तरह से खुल जाएगा।
जैसे कि ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी यहाँ पे बताया हुआ है। टोटल जो है 25 से 6 पद रखे गए हैं। यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन का भी लिंक डाल दिया है, जिसपे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जो है जॉब आपका लगने वाला है, और लग जाने के बाद हटाया तो नहीं जाता है, धीरे धीरे आपको और भी एक्सटेंड किया जाता है, जिसके माध्यम से आप काम करते रहते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है तो आपको हम एक फॉर्म लाइव फिल करके दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं।